ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर पी के ज्ञान को लोग ब्रेन ट्यूमर और किडनी से संबंधित रोग का विशेषज्ञ मानते हैं? क्योंकि हमें अपने फिलॉसफी पे भरोसा है कि ट्रीट द पेशेंट, तो हम उस फिलॉसफी पे रोगी को देखते हैं और रोगी क्योर होते हैं, ठीक हुए होते हैं। डॉक्टर साहब, 2018 में आउटलुक पत्रिका समूह जो हमारा है जी, उसने आपको आइकन्स ऑफ बिहार के अवार्ड से नवाजा जी। कैसा लगता है जब काम को सराहा जाता है? लेकिन उससे इतराने की बात नहीं होती जी, बिल्कुल। वो जो सम्मान है हमारे उन तमाम होम्योपैथिक रोगियों का सम्मान है। नमस्कार, आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिसमें आउटलुक हिंदी, आउटलुक इंग्लिश जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज, और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है, इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया के लाखों कार्यक्रम आज इन प्लेटफॉर्म्स पे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, और इसको देखते हुए आउटलुक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर कदम रखने का मन बनाया है। तो आइए आज के अपने विशेष मेहमान से हम आपका परिचय करवा दें। बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर पी के ज्ञान। डॉक्टर साहब, आपका इस हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोगों का जो झुकाव है वो एलोपैथी चिकित्सा की तरफ ज़्यादा है, आप होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, लेकिन आपसे इलाज करवाने वाले जो मरीज हैं उनका ये कहना है कि आप बहुत लंबा इंतज़ार करवाते हैं। लंबा इंतज़ार की बात नहीं है, सवाल है कि हमारे यहाँ रोगी की संख्या इतनी है जी, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आते हैं, तो हम उनको समय देते हैं कि आप थोड़ा विलम्ब से आए, मतलब एक जी लगातार एक दिन में लिमिटेशन है कि हम कितने रोगी को देख सकते हैं जी, उतना प्रतिदिन देखा जा रहा है, उसके बावजूद उतनी लंबी लाइनें हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा उनको विलम्ब होता है। डॉक्टर साहब, एक होम्योपैथी में सर सैमुअल हनीमैन की जो ये पद्धति है होम्योपैथी चिकित्सा जो जी, तो इसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल मेडिसिन की थ्योरी में यकीन रखते हैं जी। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आप जो चिकित्सा करते हैं, जो चिकित्सा मुहैया कराते हैं अपने मरीजों को, वो सिंगल थ्योरी पर ही आधारित है जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सिंगल थ्योरी क्या है? ये हनीमैन की जो ऑर्गेनन है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि होम्योपैथिक फिलॉसफी से जब चिकित्सा करते हैं जी, तो रोगी को एक समय में एक ही दवा दी जानी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने मोनोमिनिसिमी, एक दवा होनी चाहिए, मिनिमम डोज होनी चाहिए जी, ये प्रिंसिपल हनीमैन की दी हुई है। और जो भी होम्योपैथिक से जो पेशेंट क्योर होने की बात है, जो जिस बात के लिए लोग होम्योपैथ में आते हैं कि हम क्योर होना चाहते हैं जी, किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, जो रोगी का वर्सन होता है कि डॉक्टर होम्यो और चिकित्सा में बीमारी दब जाती है, होम्योपैथी में बीमारी जड़ से ठीक होती है, तो जड़ से ठीक तभी होगी जब होम्योपैथिक फिलॉसफी अडॉप्ट होगी, सिंगल मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन होगी, अदरवाइज वो भी सिर्फ सेपरेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट हो जाएगी जैसे अन्य चिकित्सा पद्धति में है, लेकिन क्योर करने के लिए सिंगल मेडिसिन आवश्यक है जी। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपसे इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे। अब सिंगल मेडिसिन की जो थ्योरी जैसे अभी आपने बताया, इसको थोड़ा आसान भाषा में, सरल भाषा में थोड़ा सा। सिंगल मेडिसिन के लिए क्या है कि रोगी के पूरे, पहले क्या था हमारा क्लासिकल होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ में रोगी के प्रत्येक सिम्टम्स, वो चाहे मेंटल सिम्टम्स हो, फिजिकल सिम्टम्स हो, जनरलिटीज हो, पार्टिकुलर हो, जहाँ जो तकलीफें हैं जी, उन सभी का विश्लेषण करके और तब एक दवा की चुनाव की जाती थी। सिंगल मेडिसिन वो भी होती थी, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथ की ये
स्थितियाँ थी कि क्लासिकल होम्योपैथ से 50% से 55% तक ही पेशेंट क्योर हो पाते थे जी। लेकिन आज के दौर में जो हमारी चिकित्सा का जो स्टाइल है जी, सिर्फ और सिर्फ माइंड पे, क्योंकि ये हमारी कोई पर्सनल नई इजाद नहीं है जी। डॉक्टर केंट ने ही ये दिया था कि माइंड इज मैन। जब किसी आदमी को एनालिसिस करना है तो उसका माइंड का एनालिसिस कीजिए। बिल्कुल। तो हम आज के दौर में जो होम्योपैथी दे रहे हैं वो सिर्फ माइंड के आधार पर दे रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स। तो मेंटल सिम्टम्स में क्या है कि प्रेजेंट प्रीडोमिनेटिंग परसिस्टिंग ये होनी चाहिए, तभी वो सही चीज़ मिल। जैसे आप किसी पेड़ को एक ग्लास एक लोटा जल उसके जड़ में डालते हैं जी। वो पानी उसकी पत्ती तक जाती है, लेकिन उसके पत्ती पे आप पानी नहीं डालते। बिल्कुल। तो जो आप दवा देते हैं उससे रोगी के प्रत्येक अंग के प्रत्येक एक एक सेल तक वो दवा पहुंचती है, बशर्ते वो सूक्ष्म मात्रा में हो। आयुर्वेद में या अन्य चिकित्सा पद्धति में क्या है कि हम क्रूड मात्रा में दवा देते हैं, तो वो खाना खाते हैं पचते हैं तब उसके फायदे होते हैं जी। हम जो होम्योपैथ में दवा देते हैं, हमारी जो फिलॉसफी, हमारी जो फार्माकोपिया है होम्योपैथिक दवा बनाने की, अन्य चिकित्सा पद्धति से वो फार्माकोपिया अलग है। हम जो दवा बनाते हैं वो एनर्जी फॉर्म में होती है। अच्छा। तो हमारी दवा जैसे ही न कि उस पेशेंट के ऑर्गन पे, उसके ऑरा के अंदर ही जाता है और वो एक्टिव हो जाती है। होम्योपैथी का ये फिलॉसफी है कि जो आपकी वाइटल फोर्स जीवनी शक्ति, हैनीमैन ने सारी चीज़ें लिखा है ऑर्गेनन में, कि जो और जीवनी शक्ति है उसके जो प्रवाह में विकृति आती है तो बीमारी होती है। तो हम जीवनी शक्ति के प्रवाह को सुचारू रूप से रेगुलेट कर देते हैं, तो वो करने में सेकंड का काम लगता है। कभी कभी आप आश्चर्यजनक देखेंगे कि हमारे किसी रोगी को बेहोशी की स्थिति में है या दर्द से चिल्लाता हुआ है जी, और 15 सेकंड से 20 सेकंड नहीं लगता है वो पेशेंट चुप हो जाते हैं। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की दवाएं हैं होम्योपैथ की, एक्टिव दवाएं हैं जो उनको तुरंत काम करती है। लेकिन होम्योपैथ चिकित्सक को ये देखना पड़ेगा कि हम उस रोगी के लिए उस दवा का चुनाव कर रहे हैं, उसके रोग के लिए नहीं जी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि होम्योपैथ में इलाज रोगी की होती है, रोग की नहीं होती है। लेकिन यदि कोई हमारे चिकित्सक बंधु यदि रोग के इलाज के फेरा में हैं तो उनसे वो रोगी ठीक नहीं होगा और वो रोग ठीक नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ जी। लेकिन उस रोगी की पहचान यदि वो करने में सक्षम है कि जो हमारे मेडिसिन का जो स्टैंडर्ड है उसकी जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स यदि उस रोगी में है तो वो दवा उस रोगी को निरोग कर देंगे जी। डॉक्टर साहब, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में जहाँ अलग अलग रोगों के अलग अलग चिकित्सक होते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हड्डी से संबंधित कोई रोग है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको देखता है, अगर ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको न्यूरोफिजिशियन देखते हैं, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एक ही डॉक्टर जो है वो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर पी के ज्ञान को लोग ब्रेन ट्यूमर और किडनी से संबंधित रोग का विशेषज्ञ मानते हैं? ऐसा है सर कि होम्योपैथिक फिलॉसफी में जैसा मैंने पहले भी कहा जी, कि ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज, यहाँ रोगी की इलाज होती है, रोग का नहीं, हमारी फिलॉसफी है जी। तो उसमें हर बीमारी की इलाज है, लेकिन जो अभी किडनी फेलियर का केस आया या ब्रेन ट्यूमर का चीज़ आया तो ये एमआरआई आने के बाद समझ में आई लोगों को कि ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो होम्योपैथ में मौजूद हैं, जो रोगी के सिम्टम्स हैं। तो होम्योपैथी में सिम्टोलॉजी है, सिम्टम्स के आधार पर दवा दी जाती है, इसलिए यहाँ किसी खास रोग के लिए किसी खास चिकित्सक की स्पेशलाइज नहीं है। लेकिन तमाम होम्योपैथ चिकित्सक किडनी की भयावहता को देखते हुए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम होम्योपैथी से किडनी का इलाज करें, क्योंकि वो भी एलोपैथ या आयुर्वेद के नकल करते हैं कि हम रोग का इलाज करते हैं। हम होम्योपैथ में क्यों किडनी का इलाज कर रहे हैं या ब्रेन ट्यूमर का कैंसर का इलाज देते हैं? जो बड़े इंस्टीट्यूशन से, हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो किडनी की इंस्टीट्यूशन हो या कैंसर की इंस्टीट्यूशन है जिनके फेलोअर केस हम इलाज कर रहे हैं, वो चाहे मुंबई हो या बंगलोर हो, भेल्लौर हो, दिल्ली हो, हर इंस्टीट्यूट का केस हमारे पास है जी। क्योंकि हमें अपने फिलॉसफी पे भरोसा है कि ट्रीट द पेशेंट,
तो हम उस फिलॉसफी पे रोगी को देखते हैं और रोगी क्योर होते हैं, ठीक हुए होते हैं। और इलाज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोगी क्योर ही हो जाए। जैसे किसी पेशेंट का ये डायलिसिस चल रही है, सप्ताह में 2 से अब 3 हो गई जी, और पेशेंट कोलैप्स के कंडीशन में है, यूरिन उनकी बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन यदि हमारी दवा देने के बाद उनकी कुछ यूरिन खुल जाती है और किडनी लेवल घट जाती है और डायलिसिस 3 से 2 पर आ जाती है, तो ये भी हमारा इलाज है जी। रोगी अब डायलिसिस सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है, इतनी लीन एंड थिन हो चुकी है कि अब वो पेशेंट कोलैप्स में जा रहा है। यदि हम उसमें एनर्जी ला देते हैं तो वो भी हमारी इलाज है। डॉक्टर साहब, ये जो किडनी की जब समस्या आती है जी, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मरीज कैसे समझेगा, आम आदमी कैसे समझे? आम आदमी पहला तो चीज़ है कि जैसे उनके पेशाब से संबंधित कुछ तकलीफें आती है जी, या शरीर में कहीं सूजन आती है जी, या सुस्ती जैसा लगेगा, तो वो चिकित्सक के पास जाते हैं जी। वो जैसे ही उसके आधार पर एनालिसिस करते हैं, पेशाब का जांच कराते हैं, खून का जांच कराते हैं जी, तो उसमें आ जाती है या तो यूरिन से उनका प्रोटीन का लीकेज है, एल्बुमिन का लीकेज है तो वो हाथ जी, या फिर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गए जी, यूरिया बढ़ गए, तो इससे पता चलता है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चलते हैं। किडनी फेलोर के कई कारणों में जी, एक बहुत बड़ा कारण ये भी आ रहा है कि सिस्ट का केस, वो उसके कारण भी किडनी फेल करते हैं। तो यदि बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत सारे पेशेंट में सिस्ट आ रहे हैं तो उन सिस्ट का उसी समय इलाज कर दिया जाए तो उससे किडनी फेलोर से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और डॉक्टर पी के ज्ञान से इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। एक कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं होता। संघर्ष, सूझबूझ और कड़ी मेहनत के साथ सालों बीत जाते हैं और तब जाकर कहीं बनती है पहचान। आउटलुक डिजिटल के मंच पर बिहार के ऐसे ही कुछ आइकन से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। खास मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर पी के ज्ञान। डॉक्टर साहब, हमने कई अखबारों में, कई पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ा है, कई बड़ी मैगजीन्स में ने आपकी स्टोरी को कवर किया था और वहीं से हम मुझे ये पता चला कि आपका जो शुरुआती दौर था होम्योपैथी में उस वक्त काफ़ी संघर्ष का दौर था और साइकिल से आप चला करते थे उन दिनों में। आज इतने सालों बाद तस्वीर बदली है तो हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर पी के ज्ञान की ज़िंदगी में तब और अब में कितना फ़र्क है। फैक्ट तो ये है दिनेश साहू कि हम ऐसे गरीब किसान परिवार के लड़का थे जी, जो खेत में बैल से हल जोते हुए हैं जी, कुदाल से खेत में काम किए हैं, खुरपी से काम किए हैं जी। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पैर में जूता नहीं होते थे जी, लेकिन उसका मुझे कभी कोई अभाव नहीं खटका। स्कूल के दिनों में हम स्काउट एंड गाइड के ग्रुप लीडर थे, हमारी इच्छा थी कि हम देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए काम करें, समाज को जो ज़रूरत हो ऐसा काम करें। कभी आर्थिक सोच से हमारी कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बना जी। उस समय समाज में चिकित्सा की बहुत अभाव थी, गांव में लोगों को चिकित्सक नहीं मिलते थे, तो हमारी इच्छा थी कि हम चिकित्सक बनूं जी, लेकिन ऐसा चिकित्सक बनूं जो आम लोगों के पहुंच के दायरे में हूं और लोगों को वो चिकित्सा उपलब्ध हो पाए, माने सस्ती भी हो और अच्छी चिकित्सा भी हो। इसलिए हमने होम्योपैथ को पसंद किया और होम्योपैथी की पढ़ाई की जी, और उससे हमने लोगों को लाभ पहुँचाया। हजारों हजार लोगों को हमने फ्री निशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से भी इलाज दिया हूँ और आज भी वह कार्यक्रम मेरी चलती रहती है। क्लिनिक में भी जो गरीब तबका के लोग आते हैं उनको हर सहूलियतें हमसे दी जाती है, यहाँ तक कि उनको यदि कोई असहाय है
तो आने जाने का भारत तक हमारे यहाँ से पे कर दिया जाता है। क्योंकि हैनीमैन ने बताया कि चिकित्सा पद्धति, न कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, पूरे चिकित्सा पद्धति के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक हॉली वर्क है, न कि यह बिजनेस है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान को जो कोई बिजनेस समझ रहे हैं तो ये गलत चीजें हैं। यह हॉली वर्क है, यहाँ हमारा कोई फिक्स ये नहीं है कि हर रोगी के साथ हमको पैसा लेना ही है। यदि समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको चिकित्सा की जरूरत है, उनके पास पैसे नहीं है तो भी उनको चिकित्सा मिलनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि उनको चिकित्सा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए और यह चिकित्सा में हमें अपना ये खुशी मिलती है कि हम उनको सस्ती और अच्छी चिकित्सा देते हैं जी, जो अन्य चिकित्सा पद्धति में सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए कि होम्योपैथी चिकित्सा में दवा का, चाहे वो सोना से दवा बनती हो या लोहा से दवा बनती हो, उसकी मूल्य समान होती है जी, एक खास पोटेंसी की कीमत समान होती है। लेकिन यदि अन्य चिकित्सा पद्धति में लोहा का भस्म होगा और सोना का भस्म होगा तो उसमें जमीन आसमान का कीमत में अंतर होगा, वो गरीब को मुहैया नहीं कराई जा सकती है। लेकिन होम्योपैथी की सोना से बनी हुई भी दवा एक गरीब को निःशुल्क में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। डॉक्टर पी के ज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवेश में हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ से हुई? ये तो दिनेश साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एकदम गरीब किसान परिवार का लड़का हूँ। हाजीपुर ईशुपुर में हमारी जन्म हुई, सरकारी स्कूलों में हमने पढ़ा है। जब स्कूल में जाने के लिए हमारे पाँव में जूता नहीं हुआ करते थे और उस परिवेश से आकर के कभी हमारी पढ़ाई कोई मॉन्टेसरी में नहीं हुई है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में हुई है। और हम गांव के लोग हैं, गांव के लोग हमारे दिल में बसते हैं। हमें कई बार ऐसे अवसर मिले कि हम महानगर में जाएं, मुंबई से भी हमें ऑफर मिला, बंगाल से भी मिला, कोलकाता से, बड़े बड़े उद्योगपति का जब हमने इलाज किया तो उन्होंने ऑफर किया कि आप मुंबई में चले आइए, कलकत्ता में चले आइए, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। आज भी ऑफर मिलते रहते हैं लेकिन हम कहीं नहीं, हम बिहार में ही रहेंगे और बिहार में ही लोग का सेवा करेंगे। हाँ, जिनको सेवा की ज़रूरत है पूरे देश से मेरे क्लिनिक में आते हैं, सभी लोग का स्वागत है और उसमें कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है कि वो अदर स्टेट से आ रहे हैं, नागालैंड से आते हैं, जम्मू से आते हैं, ये दार्जिलिंग से आते हैं हमारे यहाँ पेशेंट, ये बगल में बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, असम है, गुवाहाटी है, सब जगह से लोग आते हैं, उनकी इलाज होती है हमारे यहाँ। लेकिन कभी भी ये नहीं कि हम बाहर जा कर के इस चिकित्सा पद्धति को लेकर के हम बाहर जाएं और वहाँ जा कर के अपने को हाईलाइट करें, वो ऐसा नहीं। तो ये जो बिहार के बाहर से जो मरीज आपके पास आते हैं दूसरे राज्यों से जी, तो आम तौर पर जो आपकी लोकप्रियता है, जो आपकी प्रसिद्धि है जी, जो हमने भी जो सुना आपके बारे में, ब्रेन ट्यूमर और किडनी को लेकर के कि उसका बड़ा सफल इलाज है आपके पास जी, तो ये जो बाहर के प्रदेशों से जो लोग आते हैं क्या मुख्य रूप से इन्हीं दो बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? नहीं, अन्य बीमारियों के लिए भी, कैंसर के लिए भी आते हैं, लेकिन और छोटी बीमारी के लिए उनको आना बहुत परेशानी होगा, लेकिन इन चीज़ों का चूंकि वहाँ इलाज नहीं है इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इस चीज़ की इलाज नहीं है, अन्य चीज़ों की वहाँ भी इलाज है। आपके परिवार में कौन कौन है डॉक्टर साहब? पिताजी तो नहीं रहे, माँ हैं जी, हमारे दो बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, पत्नी है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी होम्योपैथिक चिकित्सा को ही पसंद किए हैं और ये बहुत खुशी की बात है एक पिता के लिए कि उन्होंने मेरे सिस्टम को अडॉप्ट किया है। वो चाह रहे हैं कि हम होम्योपैथी चिकित्सक ही बनूं, इसलिए उनका पढ़ाई चल रही है। हम उन्हें भी यही बात बतलाते हैं कि चिकित्सा विज्ञान जो है व्यवसाय नहीं है, इसको कभी भी व्यवसाय नहीं बनाइएगा, हॉली मिशन के रूप में ही इसको लीजिएगा और हर लोग का इलाज दिल से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़े लोग आते हैं तो उनके लिए विशेष और गरीब लोग आते हैं तो उसके लिए दूसरी बातें हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए रोगी रोगी हैं, क्योंकि हैनीमैन साहब ने लिखा है कि अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, जैसे ही आप एक कल्पना कर लेंगे कि आज हमको जज साहब को देखना है जी, तो आपकी भावनाएं बदल जाएगी, वहाँ हो सकता है कि आपकी दवा का सिलेक्शन सही नहीं हो।
या आपके अंदर ऐसा हो जाए कि ये तो गरीब आया है जो हमको पैसा नहीं देगा, उसको देखने जा रहे हैं, तो आपकी भावनाएं बदल जाएगी, तो उसकी दवा सही नहीं होगी। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वह रोगी है, चाहे वह आपका बेटा भी हो, आपके पिता भी हों, या कोई रोगी भी हो। हम अपने पिताजी का भी दो दो बार हार्ट अटैक हुआ, हमने अपने इलाज से उनको रिकवरी में लिया। कभी भी उनको भी, मतलब हम चिकित्सक हुए उसके बाद उनको एलोपैथ की चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ी, होम्योपैथ चिकित्सा पर भरोसा रखते थे और सब दिन अच्छे से रहे। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे कि होम्योपैथी चिकित्सा ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है जी, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया है होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ावा देने पर जी। उनके कुछ वीडियोस भी जो है यूट्यूब पर अपलोड हैं, हमने देखा भी है एक बार। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपके तजुर्बे के आधार पर जी, कि होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसा क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कि होम्योपैथी चिकित्सा भी एलोपैथी के बराबर खड़ा हो सके। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए जी, लोगों का भरोसा बने। और चिकित्सकों का यह दायित्व तो है कि जो हैनीमैन की जो फिलॉसफी है हम उस पर चिकित्सा करें और रोगी को लाभ मिलेगा तो होम्योपैथी का विकास होगा जी। जब हम मिक्स होम्योपैथी देंगे रोगी को लाभ नहीं मिलेगा तो लोग उससे निराश होंगे। यदि आपको होम्योपैथी को बढ़ाना है तो तमाम होम्योपैथी चिकित्सकों को मैं खुला संदेश दूंगा कि वो सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रोविजन है उस पर आएँ और रोगी को सेवा दें, तो दुनिया की हर बीमारी का इलाज होम्योपैथ में उपलब्ध है। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस विषय में? सरकार को कदम उठाने चाहिए कि चिकित्सकों का बहाली हो, जगह जगह होम्योपैथिक दवाएं उपलब्ध हो, रोगी को दवा मिले, कॉलेज हो जहां बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर पी के ज्ञान से। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि होम्योपैथी चिकित्सा पर हम बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी शिक्षा पर जी। तो होम्योपैथी शिक्षा में अभी क्या स्थिति है और इसमें और क्या सुधार होने चाहिए? होम्योपैथी चिकित्सा का जो पूरे भारत का एक मापदंड बन गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और भारत सरकार इस पर सजग है जी। और जो सिलेबस बनी है वो बहुत अच्छी है जी। ज़रूरत है कि अब होम्योपैथी चिकित्सा में, जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि एक ही डॉक्टर सभी बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट पार्ट है वह बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, समस्याएँ वहाँ आती है। तो यदि इसको भी रोग के आधार पे यदि सिलेबस बने, इसका एमडी कोर्स हो जाए या एमडी कोर्स कुछ है भी जी, तो इसमें रोग के आधार पर भी कुछ एमडी कोर्स हो तो और अच्छी बातें होगी। कि जैसे जो डॉक्टर कैंसर का होम्योपैथी से इलाज करना चाहते हैं जी, कैंसर के बारे में बहुत सारी उनको इन्फॉर्मेशन हो, ताकि रोगी का जो मैनेजमेंट पार्ट है, रोग को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो जानकारी मिले। किडनी स्पेशलिस्ट यदि होम्योपैथ होते हैं तो किडनी की बहुत सारी बारीकियां को समझें और रोगी को समझाएं कि उसको कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ें होगी कि रोग के आधार पर भी होम्योपैथ में इलाज हो, लेकिन चिकित्सा का जो बेसिक फार्मूला होगा वो रोगी के आधार पर होगा, ना कि रोग के आधार पर होगा। सिर्फ रोग के आधार पर उनका मैनेजमेंट पार्ट होगा जी, उसको रोग को एनालिसिस करने के लिए होगा कि हाँ भाई हम
इसमें क्या क्या जांच करवाएं, कहां कहां उनकी क्या परेशानियां हो सकती है उसको देखें, उसके लिए रोग के आधार पर मतलब एक्सपर्टनेस होनी चाहिए, लेकिन इलाज होनी चाहिए रोगी के आधार पर ही। इस पर दिमाग बिल्कुल साफ होने चाहिए, कभी भी ये हौच पौच में नहीं जाए कोई होम्योपैथ डॉक्टर कि हम रोग के आधार पर होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन करेंगे तो रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। रोगी के आधार पर दवा का चुनाव होगा, रोगी ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बिहार के हाजीपुर इलाके में जी काफ़ी सालों से, अब साल हमें याद नहीं है लेकिन हमने सुना है कि वहाँ आप एक वर्षों से कैंप चलाते हैं जी, और उस कैंप में वहाँ आस गांव के आसपास के जो मरीज हैं जी वो आपके पास पहुँचते हैं और आप उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट भी करते हैं जी और मुफ्त दवाएँ भी देते हैं जी। तो ये जो एक समाज सेवा का जो इसको रूप कहा जाए, ये आपके दिमाग में कैसे आया ये ख्याल? हम पहले भी बतलाए दिनेश साहब कि हम गरीब परिवार से थे जी, और चिकित्सा के बिना लोग को तड़पते हुए हमने देखा है। आज भी गांव में समाज में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि उनको जाने आने के लिए भाड़ा उपलब्ध नहीं है। खास करके दयनीय स्थिति में वो माताएं हैं जी जिनके लड़के अपने बाल बच्चों के में लगे हुए हैं, अपनी माँ के इलाज कराने के लिए उनके पास न समय है न पैसे है जी। और कुछ गरीब परिवार की बच्चियाँ जिनके बाप अपने बेटा को इलाज कराने के लिए तो जा सकते हैं लेकिन बेटी के इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं जी। तो उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर की अत्यंत ही आवश्यक आवश्यकताएँ हैं, और हमने देखा है, महसूस किया है, दसों साल से हमारी चिकित्सा शिविर चल रही है, वहाँ वैसे वैसे लोग आते हैं जिनको कि बिल्कुल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनको बहुत सारे अब चिकित्सक ये होशियारी क्या करते हैं कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर, डॉक्टर साहब देखेंगे, दवाई लिख देंगे तो उनको दवा कहाँ से मिलेगी, दवा खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का मतलब है हमारे तरफ से या हमारे हिसाब से कि उनको देखना और दवा दोनों मुफ्त। यदि कोई कोई महिलाएं यदि बुजुर्ग हैं उनको पूछ बतलाते हैं आहार पथ कि ये चीज़ खाना माता जी, तो कहती है बउआ रोटी तो है नहीं तो हम सेब कहाँ से खाएंगे जी। तो उसके लिए 150 रुपये हम लोग उनको सेवा देते हैं, परमात्मा की सेवा समझ करके कि वो इसको खा करके अब ठीक हो जाना। ये होनी चाहिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का मतलब। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आप डॉक्टर हैं बिहार के, आपका क्लिनिक है पटना में, हाजीपुर में, लेकिन आपके मरीज आते हैं पूरे भारत से जी, ये कैसे? उसका कारण है जो रोगी हमारे ठीक होते हैं जी वो चूंकि उस स्थिति से गुजरे हुए होते हैं कि उनको जिंदगी और मौत अब लग रही है कि अब हम बचेंगे नहीं, और जब उनकी ज़िंदगी मिल जाती है तो वो जब किसी को देखते हैं उस तरीके से परेशानी में तो उनको वो बतलाते हैं। जब वो सुनते हैं अपने सगे संबंधियों में, अपने दोस्तों में, परिचितों में किसी के बारे में कि अमुक आदमी को ये तकलीफ हो गई है तो उसको वो बतलाते हैं जी। और आज ग्लोबल विलेज हो गया, तब जैसे बिहार के बहुत सारे लोग अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जाके रह रहे हैं, उसके माध्यम से वहाँ जो कोई है तो उसको पता चला कि हमारे भाई का किडनी खराब हुआ था तो कहाँ इलाज हुआ था जी। अब उसको कोई पड़ोस में रहने वाले आदमी का हुआ, उसके साथ कोई कलीग्स काम करने वाले के हुआ, तो बतलाता है भाई बिहार में चले जाओ डॉक्टर साहब के पास, वहाँ हमारे भाई का इलाज हुआ था, हमारे भाभी का इलाज हुआ था, हमारे माँ का इलाज हुआ था। इस प्रकार से पूरे देश से हमारे यहाँ रोगी आते हैं, मतलब जो ठीक होते हैं वो आपका रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ें हैं दिनेश बाबू कि हमारे यहाँ 30 साल 35 साल से बहुत ऐसे परिवार हैं जी जो हमारे पेशेंट हैं, हमारे लिए वो परिवार की तरह, माने हमारे अपने सगे संबंधी हमको अपना परिवार न समझते हों लेकिन हमारे रोगी हमको अपने सगे संबंधी और परिवार समझते हैं। उनकी 5-5 पीढ़ियां का हमने इलाज किया, तो वो लोग प्रचारक के हैं एक तरह से समझा जाए कि किसी को कुछ हुआ तो वो बतलाते हैं कि फलाने जगह इलाज कराइए, क्योंकि हमारे अंदर एक करुणा की भाव है। करुणा और दया में बहुत अंतर होता है दिनेश बाबू जी। दया मतलब अपने से किसी को खराब समझ के, छोटा समझ के उस पर दया कर देना, तो वो चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं है।
दया हालांकि जिस पर किया गया उसके लिए तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन करने वाले के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। उसको करुणावान होना चाहिए, उसके दुख से अपने को द्रवित हो जाना चाहिए कि हम उसको कैसे आराम पहुंचाएं और उसके खुशी में, उसके हंसने में हम अपनी खुशी देखें। तो ये करुणापूर्ण बातें होती है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा और हमारे तमाम जो धर्म ग्रंथों हैं उसमें करुणा की बातें हैं। परमात्मा को करुणामय कहा गया है, माता को करुणामयी माँ कहा गया है, भगवती को। तो ये करुणा की बातें होनी चाहिए, दया की बातें नहीं होनी चाहिए। हमने जो भी कुछ कहा कि हम जो गरीब असहाय रोगियों के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, हम उनको कोई नीच समझ करके, गरीब समझ के उनकी सेवा नहीं करता हूँ। उनका सेवा करना हमारा दायित्व है, ये हमारी करुणा है। इस प्रकार से हम उनकी सेवा करते हैं तो ये करुणावान होना चाहिए आदमी को। तो जो करुणा की भाव से आप लोगों से जुड़ेंगे तो उनके अंदर आपसे एक अटैचमेंट हो जाती है। तो वो चाहे आपसे इलाज कराए हुए 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन उनसे आपका जुड़ाव रहेगा, आपसे उनका जुड़ाव रहेगा। और वो कहीं बिल्कुल आपकी सेवा के लायक कोई चीज़ें देखेंगे तो वो बतलाते हैं कि आप फलाने जगह जाइए। यही हमारे प्रचार का माध्यम है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि हमने सुना है कि बिहार में एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल की स्थापना पर आजकल आप काम कर रहे हैं। जी, कहाँ बनेगा ये हॉस्पिटल और किस तरह का हॉस्पिटल होगा? देखिए दिनेश साहब, हॉस्पिटल का जो मेरा सपना है वो बहुत दिनों से मेरा सपना है कि हम होम्योपैथिक ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएं जहाँ हम रोगी को रख सकें। क्योंकि जो पेशेंट आते हैं अदर स्टेट से, अब दवा लेकर उनको सेम डे में एक दिन में लौट जाना पड़ता है या पटना के होटल में ठहरना पड़ता है, तो फिर उनका वहाँ पथ सही ढंग से, आहार सही ढंग से नहीं मिल पाता है। लेकिन वो यदि 5 दिन 10 दिन हमारे हॉस्पिटल में रह करके और रिकवरी देख करके जाते तो और खुशी की बात होती। तो इसलिए हमारी प्लानिंग है और उस पर हमने काम करते, जगह का सिलेक्शन हो चुका है, भूमि अर्जन हो चुकी है, उसका खुलासा नहीं होगा अभी। NH पर हुई है, पटना में से बगल में हाजीपुर, जो पटना से मतलब 15 से 20 मिनट की दूरी है जी। और अब उसकी प्रक्रिया में मैंने भूमि अर्जन हो चुकी है, अब अगला प्रोग्राम है कि उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और यथाशीघ्र ईश्वर इच्छा होगी, जो हम गरीबों की सेवा करते हैं, उन रोगियों का, उनको हम देवता भगवान समझ के उनकी सेवा करते हैं, उनके आशीर्वाद होंगे तो हॉस्पिटल का निर्माण जल्द होगा। और तुभ्यम दियो गोविंदम तुभ्यम हम समर्प्यामि की भावना से वो हॉस्पिटल उन्हीं के लिए समर्पित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को एक नई चीज़ भी मिलेगी, नई चीज़ मिलेगी। डॉक्टर साहब, 2018 में आउटलुक पत्रिका समूह जो हमारा है जी, उसने आपको आइकन्स ऑफ बिहार के अवार्ड से नवाजा जी। और ये जो अवार्ड था आपको पटना के जो तत्कालीन सांसद थे सीनियर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों दिया गया। कैसा लगता है जब काम को सराहा जाता है? खुशियाँ मिलती है जी, लेकिन उससे इतराने की बात नहीं होती है जी। बिल्कुल, वो जो सम्मान है हमारे उन तमाम होम्योपैथिक रोगियों का सम्मान है, उनको गर्व महसूस होगा कि हम भी एक अच्छे चिकित्सक से इलाज करा रहे हैं। क्योंकि ऐसा समाज में समझा जाता है कि किसी को कुछ नहीं है तो होम्योपैथी में इलाज करा रहा है, लेकिन हम वो दिन देखना चाहते हैं कि लोग गर्व से महसूस करें कि हम होम्योपैथिक चिकित्सक अपने बच्चे को, होम्योपैथिक चिकित्सक हम अपने पिता को, हम अपने पत्नी को करा रहे हैं, ये गर्व महसूस करें। वो उस रूप में हम होम्योपैथ को देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, देश में बहुत सारे होम्योपैथिक संगठन हैं जिनके आप सदस्य भी हैं जी, तो ये जो होम्योपैथिक संगठन हैं इनके रोल क्या है और इसमें आपकी क्या भूमिका है? ये होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक संगठन, बहुत बड़ी संगठन है, होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होमाई, और उसके हम आजीवन सदस्य भी हैं जी। और उनका काम है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए बराबर मीटिंग करना, सेमिनार करना, कुछ अपडेट्स हैं होम्योपैथ को, जो चिकित्सक जो कुछ ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं या नई चीज़ें हो रही है उसके बारे में मीटिंग सेमिनार के माध्यम से उनको बतलाना, ऐसा है। और दूसरी चीज़ हैं कि संगठन का काम लोगों को संगठित करना होता है सिस्टम के विकास के लिए या फिर
जैसे सरकारों से कुछ मांग करनी है, उन सभी कार्यों में संगठन का काम होता है। जो होम्योपैथिक कॉलेजेस, जो आज भी हमें पता है कि जितने कॉलेज होने चाहिए पूरे देश में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होती है वहाँ संगठन में? कमी है, उसकी चर्चा होती है, लेकिन सरकार होम्योपैथी कॉलेज अभी उतनी खोलने के स्थिति में नहीं रहे, और जो प्राइवेट कॉलेज है वो ज़्यादा चल नहीं पाता, इसलिए कि वहाँ इनकम का स्रोत कम है, तो इसमें पूंजी लगाने वाले लोग कम मिलते हैं। और मेडिकल कॉलेज है तो उसकी स्थापना में जो खर्च है, वो आप MBBS कॉलेज, एलोपैथ का आप मेडिकल कॉलेज खोलिए या होम्योपैथ का कॉलेज खोलिए, स्थापना में खर्च उतनी ही आएगी, बिल्डिंग उतना ही बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बनाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से चूंकि फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अच्छी चिकित्सा पद्धति है तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोलें, बच्चों को शिक्षा दें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा में आपने खुद से अपना एक अलग मुकाम बनाया है, और इस वक्त जो होम्योपैथी कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको अपना आइकन्स भी मानते हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो छात्र हैं जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं होम्योपैथी की, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस आप चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो आर्थिक रूप से आप न देखें कि हम कॉलेज से निकलें और धनोपार्जन करने लगें, आप उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है उसके अलावे आपको उस आर्ट को डेवलप करना है कि हम रोगी को कैसे देखें और उनको हम क्योर कैसे करें, और होम्योपैथी की जो फिलॉसफी है उसको हम 100% अडॉप्ट करें। यदि जल्दबाजी के फेरा में पेटेंट मेडिसिन और मल्टी मेडिसिन के चक्कर में पड़ेंगे कि रोगी ना भाग जाए, तो रोगी तो भाग ही जाएगा देर सवेर, और आप भी भाग खड़े होंगे। लेकिन यदि आप अड़ गए कि नहीं, हमको सिंगल मेडिसिन से इलाज करना है, क्योर करना है, चाहे कम रोगी रहे ज़्यादा रोगी रहे, आपकी संघर्ष होगी, लेकिन कुछ दिनों में आपके पास रोगियों की ताता लग जाएगी। जैसे मेरे क्लिनिक में रोगी आते हैं अन्य चिकित्सा पद्धति में क्या है कि जैसे कहीं आप एक मांस का टुकड़ा रख दीजिए तो मक्खियां भिन भिनाने लगेगी जी। आप आज क्लिनिक खोलेंगे रोगी की भीड़ लग जाएगी, लेकिन वो मांस का टुकड़ा साफ हो जाएगा, मक्खी भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप कहीं चीनी रख देते हैं, गुड़ रख देते हैं जी। एक चींटी आएगी चीनी खा के जाएगी, दूसरी चींटी आएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ देर में चींटियों की झुंड आपके पास होगी। आप मांस का टुकड़ा नहीं, गुड़ और शक्कर बनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, हमारा यही संदेश है। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूँ आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।